नमस्कार साथियों, मैं हूं आप सभी का एडुकेटर तेजस्वी राज सर। और अभी हमारे साथ हैं सुशांत कुमार पांडे। आप देख सकते हैं बीपीएससी तैयारी के अभ्यर्थी हैं, सरकार के सामने कुछ बातों को रखना चाहते हैं, बीपीएससी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके सामने अपने कुछ बातों को रखना चाहते हैं। नमस्कार सुशांत जी। नमस्कार। बीपीएससी का रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट आने के बाद अब क्या प्रतिक्रिया है आपकी रिजल्ट को देख के? रिजल्ट की देख के क्या प्रतिक्रिया हम बताएं सभी को। रिजल्ट को जब से मैंने देखा है, मेरा माथा कभी आसमान में घूमता है, कभी पाताल में घूमता है। रिजल्ट को तो देख के तो ऐसा लग रहा है, आज रोज एक एक रात में दिन में एक एक नया केस मिल रहा है। आज एक नया केस मिला है कि 21 नंबर वाले का रिजल्ट और 72 नंबर वाली लड़की का रिजल्ट नहीं है। कभी मिलता है कि ईडब्ल्यूएस में पासवान आ गया, कभी मिलता है कि ईडब्ल्यूएस में बैठा आ गया, कभी मिल रहा है कि जनरल में जिसका 68 है 69 उसका रिजल्ट नहीं हुआ, 7-61 वाले का रिजल्ट हो गया। पता नहीं क्या थेथराई करके रिजल्ट तैयार किया गया है, समझे में नहीं आ रहा है। अब किसको किसके ऊपर ही प्रत्यारोपित करे इस आरोप को, समझे में नहीं आ रहा है। तो सुशांत जी, ये तो बच्चे आरोप लगा रहे हैं, तो ये तो थ्योरेटिकल प्रूफ करना होगा आप लोगों को। बिल्कुल, मेरे पास ऐसा दो दो तीन तीन प्रूफ है, ऑथेंटिक प्रूफ है मेरे पास। आप इकोनॉमिक्स का जाके 10+2 का नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए, उसमें दो को नाम सर्च कीजिए, एक महेश पासवान और एक राम किशोर बैठा। एक आपको 8 नंबर पे मिलेंगे, एक आपको 3 नंबर पे मिलेंगे। देखिए दोनों अपनी इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन में शामिल है। अच्छा, यानी आरक्षण को लेकर आपका सरकार से ये समस्या है कि आरक्षण में सरकार अदर कैटेगरीज को डाल रही है, इसको लेकर आपका? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आप ही बताइए या कोई, कि मैं किसी से एक सवाल करता हूँ कि अगर मुझे ओबीसी में ले जाके डाल दिया जाए, मुझे SC ST में लेके जाके डाल दिया जाए, तो फिर उनका जाति और NCL बनाने का औचित्य क्या रहा? बात तो आपकी सही है। अगर किसी को मेरे कैटेगरी में TWS में लाकर डाल दिया जाता है, तो 15 से 20 दिन का जो समय लंबित समय होता है, जो कि ब्लॉक के द्वारा दिया गया होता है, और जो ये जो पंचायत कर्मी होते हैं जो आके घर पे जांच करके जाते हैं कि आपका क्या है ईयरली इनकम, ये जांच करने का और 15 दिन का ये जो समय लंबित समय होता है, इतना देख और EWS बनवाने का फिर औचित्य क्या रहा जब मेरे सीट पे पासवान और बैठा फाइट करेंगे? अच्छा, मतलब आपकी कैटेगरी में अन्य कैटेगरी के लोग जो है वो आ रहे हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं। दूसरा एक और चीज सुनने में आ रहा है कि 40,000 नियोजित शिक्षकों का रिजल्ट दे दिया गया है। आपने जब ये कहा कि विशिष्ट कर्मी का अलग से परीक्षा लेके उनको 3 चांस देकर उनको विशिष्ट कर्मी बनाया जाएगा, तो फिर आपने उनका रिजल्ट रोका क्यों नहीं? डीवी में आप उनको रोक क्यों नहीं रहे हैं? जिसके पास भोजन है आप उसको जबरदस्ती भोजन दे रहे हैं, और जो बच्चे भूखे मर रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं है। इस चीज को लेकर मुझे भी आपत्ति है। मैं सरकार कहूं, हुजूर कहूं, जो कहूं, मालिक कहूं, आप लोगों से अनुरोध है कि जो टीचर नौकरी कर रहे हैं नियोजित शिक्षक, उसको इस बहाली में क्यों आप लोग सीट फुल कर रहे हैं? मालिक, आप लोग उनको दर्जा दे दीजिए, सीट बच्चों के लिए छोड़ दीजिए। बहुत ऐसे बच्चे हैं सुशांत जी जो वेटिंग लिस्ट का डिमांड कर रहे हैं, क्या ये मांग सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है, इसमें कहां गलत है आप बताइए ना। आप 40,000 नियोजित शिक्षक का रिजल्ट दे दिए। देखिए सरकार की मंशा तो मुझे सीधा सीधी ऐसी लग रही है कि बच्चों को मजबूर किया जा रहा है कि हम कुछ नहीं करेंगे, आप न्यायालय के पास जाइए और इस भर्ती को तहस नहस कर दीजिए, क्योंकि बाद में सरकार चुनावी मुद्दा में हाथ उठा ली कि मैंने तो वैकेंसी दिया ही था, मैंने वैकेंसी दिया था, रिजल्ट भी मैंने दिया, लेकिन कोर्ट का फैसला इस पे आ गया। इतना संशोधन मुझे नहीं लगता है, मैं भारत नहीं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, इतना संशोधन वर्ल्ड के आज तक किसी चीज के नोटिफिकेशन में नहीं हुआ है जितना संशोधन बीपीएससी के इस नोटिफिकेशन में होगा। आज पटना के एक बड़े वकील हैं, उनके यहाँ देखा गया है कि 200 से 250 बच्चे पिटिशनर बने हैं, अपना OMR सीट, अपना रिजल्ट, अपना एडमिट कार्ड लगाए हुए हैं, जिसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को लेकर वो सभी वहां गए हैं। तो ये तो बात बिल्कुल आपकी सही है कि पेचीदगियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा बच्चों का जो एक मांग है कि जो EWS के बच्चे हैं जिनका रिजल्ट हुआ है वो जा रहे हैं केंद्र पर, उनको कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए सब जगह हम लोग जाके थक चुके हैं, जिन आप नामियर एडवोकेट की बात कर रहे हैं मैं वहां भी गया था, उनका नाम शिवनंदन भारती है, मैंने वहां भी बात किया है, और मैं जाके मेरे अपने एक एडवोकेट हैं जगजीत रोशन जी, उनके पास मैंने अपना रिट दायर किया है।
क्योंकि शिवनंदन भारती जी जो है उनके पास बहुत सारा केस था, वो उस दिन केस को टेकअप नहीं कर पाए थे, न्यायालय बंद होने वाला था और मुझे अर्जेंट में रिट दायर करना था, तो जगजीत जी को मैंने अपना रिट सौंप दिया है अपने समाज के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, मैंने पांच आपने परसेंट सीटें मजबूत की जो आपने भी है। रीट लगाया है। जी, मेरे द्वारा 30 पेटिशनर का रिट लग चुका है अच्छा, ईडब्ल्यूएस में क्या मांग है और मैंने आपकी? एक रिट देखिए, पहली मेरी मांग यही है कि नियमावली में मेरे जो बच्चे हैं, मेरे समाज के जो बच्चे हैं, मेरे जो ग्रुप के बच्चे हैं, वो नियमावली में कहीं दिखाया नहीं गया है कि सीटेट में 90 नंबर चाहिए तो आपका डीवी कराया जाएगा, 82 नंबर चाहिए तो आपका डीवी कराया जाएगा। जब बच्चे जा रहे हैं वहां पे तो उनको ये बोल के और डीवी से डिस्क्वालीफाई कर दिया जा रहा है कि आपका जो नंबर है 90 नंबर चाहिए क्योंकि आपके सर्टिफिकेट पे जनरल लिखा हुआ है। ठीक है, सर्टिफिकेट पे जनरल लिखा हुआ है उसके, लेकिन महिला के सर्टिफिकेट पे भी जनरल लिखा हुआ है वो भी डिस्क्वालीफाई है, लेकिन आप उसको क्वालिफाई मान के क्यों रख रहे हैं, उसको भी आप डिस्क्वालीफाई कीजिए। जी बिल्कुल, आपकी बात ये सही है। ये SC ST में भी है, SC ST में भी डिस्क्वालीफाई लिखा हुआ है, या क्योंकि 75 नंबर बिल्कुल पे बिल्कुल बिहार ऐसे सरकार। ऐसे बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है, उसपे भी डिस्क्वालीफाई लिखा हुआ है लेकिन तो उसको भी क्वालिफाई सरकार मान रही है, तो फिर ईडब्ल्यूएस को क्वालिफाई क्यों नहीं? सरकार इस समाज को लेकर इतना भेदभाव क्यों कर रही है? आपको क्यों क्या लग रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? कारण यही लग रहा है मुझे, मुझे तो लग रहा है ऐसा ही कि ईडब्ल्यूएस वाले को चुपचाप बैठ जाने से सरकार उनको दिव्यांग समझ रही है। हमको तो लगता है कि दिव्यांग कैटेगरी में हमको जगह मिलने जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है मुझे देख के सरकार की मंशा। मानसिक दिव्यांगता। जी, मानसिक मतलब मुझे आरक्षण नहीं मिलेगा लेकिन मैं मानसिक दिव्यांग हूं, क्योंकि मैं उठ के अपना आवाज खुद नहीं उठा पा रहा हूं तो मुझे दिव्यांग ही ना कहा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा होगा तेज जी, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जब नया रेल का पटरी बिछता है तो उसपे इंजन का ट्रायल कराया जाता है कि जो पटरी है ना धस रही है कि उखड़ रही है कि ठीक चल रही है, वैसे ही सरकार द्वारा ये स्पष्ट दिख रहा है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के साथ छेड़छाड़ करते हुए और इसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों से आपकी क्या मांग है, आगे की क्या रणनीति है? बच्चे से हम अपने ईडब्ल्यूएस समाज के बच्चों से यही हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहेंगे कि आज अगर आप अपने लिए नहीं खड़े हुए तो TRE 2.0 में आपकी जो कैटेगरी है वो कॉलम से भी हटी हुई दिखेगी और आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं, अब आप आने वाले भविष्य में जनरल में काउंट किए जाएंगे। सीटेट को लेकर आप बढ़ ये चढ़ बात के कह रहे आठ हैं? आप ये बात सीटेट को लेकर कह रहे हैं? सीटेट मैं हर चीज में लेके कह रहा हूं, सिर्फ सीटेट नहीं, हर चीज में लेके कह रहा हूं, जब हटेगा तो सब चीज से हटेगा, मिलेगा तो सब चीज से मिलेगा। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से यही मेरी मांग है कि आपने तो जातिगत जनगणना करके भी देख लिया, आपने सब कुछ करके देख लिया, तो सबसे अल्पसंख्यक तो हम ही हुए ना मालिक, 16% हम हैं, 16% अल्पसंख्यक हम हैं, हमारी आर्थिक स्थिति भी कमजोर है इसलिए हमने इकोनॉमी वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट भी बनवाया, तो इसको देखते हुए हमको और आरक्षण में वृद्धि मिलना चाहिए। आप तो कटौती किए जा रहे हैं, कटौती के दे ही नहीं रहे हैं, तो अगर आप नहीं दीजिएगा तो मुझे न्यायालय से लड़ के अपना अधिकार लेने आता है, क्योंकि समानता का अधिकार है इस देश में, ये मेरा मौलिक अधिकार है और जब भी जब जब मेरा मौलिक अधिकार का हनन होगा मैं न्यायालय पहुंचूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका अधिकार है। और सरकार से मेरे द्वारा भी ये मांग है कि बच्चों के भविष्य का सवाल है, चाहे वो आर्थिक रूप से वंचित बच्चे हो, SC हो, ST हो, जनरल हो, जो भी हो, सबके लिए आप वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए तरीके दो से। दो 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 बच्चों के द्वारा दो बच्चे के द्वारा सचिवालय का दौरा किया गया, ईडब्ल्यूएस के बच्चों के द्वारा, जी वहां ये बताया गया प्रूफ देखने के बाद, अरे आपका प्रूफ तो बिल्कुल सही, आपको तो मिलना चाहिए था, आपको मिला क्यों नहीं अभी तक, तो ये मालिक हम बताएंगे कि क्यों नहीं मिलेगा, गद्दी पे आप बैठे हैं, निकालना है आपको, है हम बताएंगे क्यों नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जो मांग है वो सही है। अगर अगर शिक्षा विभाग, अगर शिक्षा विभाग इसको संज्ञान में लेते हुए एक लेटर जारी कर देता है तब तो सही है, लेकिन अगर लेटर नहीं जारी करता है तो मैं समता के अधिकार के विरुद्ध, मौलिक अधिकार के हनन के विरुद्ध एक और रिट याचिका दायर करूंगा। और बैठा को कैसे शामिल कर लिया जाता है? आप लोग पटना भी जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, माननीय मंत्री जी से मिलने, माननीय अधिकारियों से मिलने? जी आप लोग पटना जाने का भी प्रोग्राम बना रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारी मुहिम
बहुत जल्द एक डेट डिक्लेयर होने वाली है, लगभग 26 या 27 को। हम लोग सबसे पहले सचिवालय और शिक्षा मंत्री का घेराव करेंगे कि जब आपने 82 नंबर पे बोला है कि ईडब्ल्यूएस को पास माना जाएगा तो आप सीटेट में क्यों नहीं अभी तक किए इसको। आपने एक साल पहले, आपका वीडियो वायरल है, आप उसमें बोल रहे हैं कि सीटेट को 5% की छूट देकर 82 नंबर पे पास माना जाएगा। तो क्या ये लॉलीपॉप देके फुसलाने के लिए वो वीडियो बनाया था आपने बच्चे को? आप इतने संवैधानिक पद पे बैठ के इतनी छोटी सी बात बोल के और फर्क किसे सकते हैं? जग जाहिर है आपका वो वीडियो, सबको ही देखा होगा, आप भी जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं इसको। बिल्कुल सही, आपकी आपकी जो बातें हैं वो बिल्कुल सही है। 2020 नियमावली में भी इसका जिक्र किया गया है, परंतु लेटर नहीं जारी किया गया है। अभी 2023 की नियमावली आई, उसको मैं देख रहा हूँ, शिक्षा विभाग द्वारा एक लेटर निकाला गया, उसमें लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जनरल इतना, ओबीसी इतना, एससी इतना, एसटी इतना, महिला इतना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एक कैटेगरी है कि नहीं बिहार में? यदि है तो उसमें उल्लेख क्यों नहीं है? आखिर क्यों नहीं है, इसका क्या तात्पर्य है? सरकार इसका जवाब दे। अतुल प्रसाद जी ने 10 क्वेश्चन का जवाब दिया है, 11वां क्वेश्चन का जवाब वो क्यों नहीं दिए हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पर दूसरे किसी को क्यों शामिल किया गया है? इसका जवाब उनके पास है? यदि है तो उसको दे और विलंब दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी सुशांत कुमार पांडे से हमारी एक खास बातचीत। मुझे उम्मीद है कि इस बातचीत से बच्चे काफी प्रभावित होंगे, सरकार के पास ये वीडियो पहुंचेगा। मैं अपने समाज के बच्चों के साथ बस एक ही ऐलान कर रहा हूँ, आओ अपने हक के साथ मेरे कंधे से कंधा मिलाओ, इस मुहिम को बहुत बड़ा करते हैं। और जो ये सरकार जो समझ रही है कि मानसिक रूप से हम विकलांग हो चुके हैं, चल के पटना में दिखाते हैं कि हम मानसिक रूप से विकलांग नहीं, हम जिंदा हैं, और हमारा आरक्षण अगर आप नहीं देते हैं तो हमें लड़के लेना आता है, हम न्यायालय से लड़के लेंगे। चलिए हमारे साथ 26 या 27 को बहुत जल्द इसी चैनल पे आप लोगों को ये डेट भी मिल जाएगा कि पटना कब चलना है। धन्यवाद सुशांत जी, बहुत खुशखबरी मिली मुझे कि आप जैसे बच्चे हैं समाज में जो सजग है, एक्टिव है और नेतृत्व करते हैं, समाज की बात करते हैं। और बच्चों से भी मेरा यही अनुरोध है कि चैनल के साथ बने रहिए, इस वीडियो को लाखों लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये बात जो है लाखों लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद, जय हिंद।